नमस्ते बच्चों, क्लास सेवन में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि अभी देख रहे हैं, वर्तमान परिवेश ऐसा है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर ही पढ़ाई करनी है। तो इस क्रम में विद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कराई गई है। आप सबको चाहिए कि ध्यान से क्लास करें। आइए शुरुआत करते हैं क्लास सेवन का। इस क्रम में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं शब्द और शब्द भेद। शब्द कहते हैं अक्षरों के सार्थक समूह को। ध्यान देने की बात है, अक्षरों के सार्थक समूह यानी ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है और वो आवाज करती है तो वो आप उसे शब्द नहीं कि व्याकरण उसे शब्द नहीं कहेंगे। आवाज नहीं है लेकिन वो शब्द नहीं है। शब्द कहते हैं अक्षरों के सार्थक समूह को। और शब्द के भेद कई आधार पर किए गए, बनावट के आधार पर, एक बार बनावट के आधार पर, दूसरा उद्गम के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, वह है रूढ़ि, यौगिक और योग रूप। रूढ़ शब्द वह है जो हमेशा एक ही अर्थ रखता है, ऐसा शब्द जो हमेशा एक ही अर्थ रखे वह रूढ़ शब्द। जैसे हाथी, जैसे हाथ, जैसे पैर और जब इन शब्दों को के वर्णों को खंडित करते हैं, इसके अक्षर को जब अलग अलग कर देते हैं, वर्ण विन्यास कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका कोई अर्थ नहीं निकल पाता है। अगर निकलता भी है तो वो अभिष्ट नहीं जो होना चाहिए। जैसे हाथी को अगर हम खंडित करते हैं तो हा और थी, हा का क्या अर्थ है? कुछ नहीं थी। अगर इसका अर्थ हम करते भी हैं तो उसका मीनिंग एलिफेंट नहीं होता। तो ये जो शब्द है ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
यौगिक शब्द कहते हैं जब दो रूढ़ शब्द मिलकर के रूढ़ प्लस रूढ़, रूढ़ और रूढ़ शब्द को जब मिलाते हैं, दो शब्द जब मिलता है तो यौगिक शब्द बनता है। जैसे हाथी वाला, हाथी वाला, इसमें एक शब्द है हाथी और दूसरा है वाला, दोनों को मिला दिया तो हो गया हाथी वाला। दुकानदार, चूड़ीहार, पान वाला, ये जो शब्द है ये शब्द रूढ़, ये शब्द जो है यौगिक शब्द है। योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द ऐसा शब्द जो जिसके कई अर्थ थे लेकिन सारे अर्थों को त्याग करके एक ही अर्थ को जब अपना दे तो योगरूढ़ शब्द बन जाता है। जैसे पंकज, पंकज पंक जो ज, पंक का अर्थ है कीचड़, पंक का अर्थ है कीचड़, और ज का अर्थ है जन्म लेना, तो जिसका जन्म कीचड़ में हुआ हो, जिसका जन्म कीचड़ में हुआ हो, तो ये कीचड़ में तो बहुत सारे चीजों का जन्म होता है, उसमें शैवाल भी रहते, मेंढक भी, कछुए भी, मछली भी और कमल भी है। लेकिन सारे अर्थों को त्याग करके, सारे अर्थों को त्याग करके एक ही अर्थ मान्य है पंकज का, और वह है कमल। तो पंकज शब्द जो हुआ वह हुआ योगरूढ़ शब्द। उसी तरह से आकाशवाणी, जो वाणी, जो आवाज आकाश से आए, वही उड़ती है चिड़िया आकाश में, ऊपर से आवाज कर रही है, आप चार मंजिले से किसी को आवाज देते हैं वो भी आकाशवाणी, और रेडियो उससे भी तो आवाज आती है वो भी आकाशवाणी। लेकिन सारे अर्थों को त्याग करके और एक ही अर्थ रह गया है रेडियो, इसलिए आकाशवाणी शब्द भी योगरूढ़ शब्द है। ये हुआ आपका बनावट के आधार पर शब्द के भेद। आइए हम लोग चर्चा करते हैं उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर शब्द के पहले तो चार भेद थे लेकिन अब पांच भेद माने जाते हैं। उद्गम के आधार पर शब्द के पांच भेद, उद्गम के आधार पर पहला हुआ तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा व,
हितेशी। पांचवा जो कि नया आया है वह है संकर शब्द। संकर संकर शब्द तत्सम तत्सम ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आ गया हो तो वह तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द ऐसा शब्द जो संस्कृत में कुछ और था हिंदी में कुछ और हो गया है, यानी जिसका रूप विकृत होकर के हिंदी में आ गया तो वह है तद्भव शब्द। देशज शब्द जिसकी उत्पत्ति का सही पता नहीं चले लेकिन इतना जरूर है कि उसका जन्म हमारे देश के किसी स्थान में हुआ है वह है देशज। विदेशी शब्द विदेशियों के द्वारा जो लाए गए हुए शब्द हैं वह है विदेशी शब्द। संकर शब्द दो अलग अलग जातियों के शब्द दो अलग अलग वर्गों के शब्द को मिलाकर के जो शब्द बना है वह है संकर शब्द। आइए एक छोटा सा उदाहरण के रूप से समझें इन चारों भेदों को। बेटे आपने एक्सप्रेस बस और लोकल बस तो आपने बस से देखा होगा। एक्सप्रेस बस की क्या खासियत है? एक्सप्रेस बस की खासियत यह है कि उसका स्टॉपेज नहीं बहुत कम होता है। मान लेते हैं एक्सप्रेस बस को जाना है रांची कुटी से रांची तो बस कुटी से चले और रांची में जाकर पहुंच गए।